तो गाइज ये है हमारी मौसी, ये छोटी मौसी है और ये बड़ी मौसी है। और मौसी सही हो? हाँ सही सही। देखो गाइज कितनी रात हो चुकी है और ये डॉगी बहुत ही क्यूट डॉगी है। टफी टफी आओ, टफी टफी आओ। अरे अरे कहाँ भाग रहा है। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए, वहाँ करेंगे कुछ एंजॉयमेंट। जब हम लोग साथ में होते हैं तो ऐसे एंजॉयमेंट करते रहते हैं, काफी अच्छा लगता है। चले बबन। हाँ चलो चलो। I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to love. तो गाइस यहाँ पे हम सब फास्ट फूड खाने आए हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, क्या अभी तो मोमोज बोले हैं, उसके बाद देखते हैं क्या। अभी खाएंगे मोमोज और फिर देखते हैं क्या खाएंगे। And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. हाँ भैया हम YouTube पे वीडियो बना दें। तो भाई ये हमारे मोमोज तैयार हैं और भैया ने बनाए हैं। भैया काफी अच्छे मोमोज बनाते हैं यहाँ पे सच में। गाइस बताएं इवनिंग में कहीं बाहर जाके कुछ खाने का मजा ही कुछ अलग है ना। और गाइस यहाँ पे कुछ मीठा खाने के लिए आए हैं, बताओ क्या खाओगे, कुछ भी ले लो यार। तो गाइस यहाँ पे अभी रसमलाई ऑर्डर कराई है तो भैया भी निकाल लें। तो गाइस जब भी हम मिलते हैं ना तो बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, वो बहुत सारी इसका एक्सपीरियंस भी अलग हो जाता है। बहुत सारी मस्ती करते हैं, आप तो देख ही रहे हैं हमारी ब्लॉग में बहुत ज्यादा इतनी सारी मस्ती हो रही है, बहुत ज्यादा मस्ती, बहुत मजा आ रहा था ये। और ये हमारे हम लोगों की रसमलाई तैयार है, हमें तो खाने मतलब। लो भाई वो तो शुरू कर दी उसने। तू खाती है ऐसे, टेस्टी है ना। ओए ओए खा ले हीरो, खा ले पहले खा ले। और एक बार यहाँ पे छेना टोस्ट लिया हम लोगों ने, ये देखिए। हाँ तू भेज दे, तू अपने इंस्टा पे लगा रहा है अपना, सही है। देखिए गाइस अब खाएंगे छेना टोस्ट। ये तो बंदा अपना शुरू हो जाता है पहले ही, बढ़िया बहुत बढ़िया लगे रहो। गाइस अब निकलते हैं घर के लिए क्योंकि काफी टाइम से हम लोग बाहर घूम रहे हैं, घर वाले भी इंतजार करते होंगे। चलें जब भी खाने वाया है। सो गाइज आ चुके हैं घर पे टफी। गाइज ये बहुत ही क्यूट डॉग है। हाय क्या हुआ टफी? अबे रहन दे, काट लेगा काट लेगा। टफी टफी क्या हुआ? अरे भाग। और इन महाशय जी को पढ़ाई सूझ रही है यार तुम्हें तो। फेरी टेल ये क्या है? फेरी टेल क्या है? अरे आज मैं अपने सब्जेक्ट लिखता हूँ। अच्छा अच्छा तू अपना रिवीजन कर रहा है जो भी तू तो... नहीं ये हाँ। रिवीजन नहीं है। ओए रहन दे काट लेगा। और आज हम लोग यहीं पे सोने वाले हैं, कहाँ होया है। हम गए थे नंबर एक। नंबर एक हम लोगों ने यहाँ पे काफी एंजॉयमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। सुबह से हम लोग एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं, बाहर गए थे घूमने, फिर मैं मौसी के यहाँ आ गया था। और यहाँ भी आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा कि हम लोग नाइट में बाहर गए थे, वहाँ पे फास्ट फूड वगैरह कुछ खाया था, फिर उसके बाद में स्वीट्स वगैरह खाई थी। तो बस ये चलता रहता है, जब भी हम तीनों इकट्ठे होते हैं एंजॉयमेंट करते रहते हैं हम सब लोग। तो इन भैसाब की शॉप है जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था। हाँ तो मैं अभी अपनी शॉप क्लोज करके आया हूं और मैं अभी पहले बार तो घूमने गया था शॉप क्लोज करके और मुझे 20 रुपए आज बहुत भारी पड़ गए। 20 रुपए भारी पड़ गए मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? कौन से वाले? वो बोला 20 रुपए की चीज खिला देना, मुझे 200 रुपए की चीज खिलानी पड़ गई। अच्छा 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 ये सही है यार। तो गाइस देखो इसके पास वो क्या कहते हैं यार, पता नहीं कुछ है, दिखा नहीं रहा है। दिखा हमारे पास देखो, ये गोल वो नहीं है तो दिखा तो दिखा तो मजाक थोड़ी हो रही है। नितिन टूट नहीं जाएगी ये? टूट टूट यार बहुत टूट।
दिखा वो तो। अरे इसमें दिखाने में क्या है, तुम्हारी बहुत थोड़ी देख रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे पवन मेरे साथ एक गेम खेल रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि ये स्पेलिंग गेम है ना। हाँ स्पेलिंग गेम है क्योंकि हम इनकी इंग्लिश को चेक करेंगे आज कि इनको इंग्लिश की स्पेलिंग कितनी आती है। हाँ ठीक है तू चेक कर ले। तो पवन मुझे स्पेलिंग बताएगा और मुझे ये ब्लैक बोर्ड है, मतलब ये बोर्ड है सामने से लगाई, ब्लैक बोर्ड नहीं है। अरे ब्लैक ही है, ब्लैक है, ब्लैक है। तो चलो ये गेम करते हैं स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। अमन को हम दे रहे हैं स्पेलिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस या ये क्या नाउन है? इंड इंड क्या होता है? इंडिपेंडेंस गाइज गलत। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग और आप बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल गलत है। अब नितिन लिख के लिखाएंगे। तो गाइज यहाँ पे उससे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन आई थिंक यही होती है ना। तो यहाँ पवन लिख रहा है, देखते क्या है। अच्छा अच्छा मैंने वहाँ पे ए लिख दिया ना, वहाँ पे ई होता है ना। इन्होंने ऐसे कि अमन का ये था इंडिपेंडेंस। नहीं नहीं मैंने इन भाई साहब को ये भाई साहब बता रहे हैं ये है। अच्छा तो हमने यहाँ पे ई की जगह ए लिखा था। अच्छा मैंने ए लिख दिया। हाँ तो वही मेरा मिस्टेक हो गया था। तो गाइस खाना आ चुका है, अब हम सब लोग खाना खाएंगे। चलो मिलते हैं खाना खाने के बाद। क्या हो गया और हंस ले तुम। सो गाइस खाना तो हो चुका है और हम सब भाई बैठे हुए हैं। तो अभी थोड़ी गप्पे सप्पे मारेंगे और उसके बाद सो जाएंगे और मिलते हैं सुबह। तो लिटरली गाइज आज बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया। जैसा कि आपने ब्लॉग में हमारे देखा होगा, काफी इंजॉय किया। तो भाई ना जब हम तीनों साथ में होते ना तो ऐसे इंजॉय करते रहते हैं। तो अभी तो ऐसा है कि उसकी शॉप वगैरह हो गई है और वो पवन है वो कॉलेज वगैरह जाता है, इस वजह से हम काफी कम मिल पाते हैं। लेकिन पहले हम मतलब ज्यादातर साथ में रहते थे तो इतना इंजॉय करते ना, बहुत मजा आता था। तो गाइज फिर मिलते हैं सुबह। Yeah.